दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुंबई शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में आज भी हजारों सेक्स वर्कर बद से बदतर जिंदगी बिता रही है। भले ही फिर अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए इस रेड लाइट एरिया को कम्फर्ट जोन के रूप में तैयार करवाया था, लेकिन यह जगह सेक्स वर्कर्स के लिए नर्क से कम नहीं है। दोस्तों सन 1980 में एक अमेरिकी फोटोग्राफर मैरी एलन मार्क ने कमाठीपुरा की लाइफ को अपने कैमरे में कैद कर उन्हें मिलने वाली प्रताड़नाओं के बारे में बताया था। मैरी एलन मार्क ने कमाठीपुरा में खींची फोटोज को द केज गर्ल ऑफ बॉम्बे नाम दिया था और उनकी ये फोटो सीरीज दुनिया भर में बेहद मशहूर हुई थी, जिसे खींचने के लिए उन्होंने 3 महीने रेड लाइट एरिया में बिताए थे। और दोस्तों उस फोटो सीरीज में सेक्स वर्कर्स को होने वाली बीमारियों, अत्याचार और गरीबी को दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज की तुलना में पहले भी सन 1980 में कमाठीपुरा में बड़ी तादाद में सेक्स वर्कर काम किया करती थी और इनमें से कुछ लड़कियां बार गर्ल्स भी थी। दोस्तों बताया जाता है कि उस वक्त सेक्स वर्कर के रिहेबिलिटेशन पर सरकार और एनजीओ सक्रिय नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ देश विदेश के कई एनजीओ यहाँ आए और कई सेक्स वर्कर की लाइफ भी बदल दी, जिस वजह से आज कई सेक्स वर्कर के बच्चे देश विदेश में पढ़ लिख रहे हैं और कुछ सेक्स वर्कर इस बिजनेस को छोड़ चुकी हैं। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था कि सन 80-90 के दशक में इस इलाके में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, विक्की गोस्वामी समेत कई बड़े गैंगस्टर यहाँ आते जाते थे, जिस कारण से यहाँ देह व्यापार के अलावा और कई अवैध धंधे पनपने लगे। दोस्तों इसके साथ ही अब जानते हैं कि कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की अब क्या स्थिति है। दोस्तों कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया अब मानव तस्करी का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है और साथ ही बांग्लादेश और अन्य राज्यों से लाई जाने वाली महिलाओं को नशे की लत लगा दी जाती है और उन्हें तब तक छोटे अंधेरे कमरे में उनको इंजेक्शन देकर बंद रखा जाता है जब तक कि उनका विल पावर खत्म ना हो जाए। और इसके साथ ही लड़कियां जवान दिखने के लिए टेबलेट्स भी दी जाती है और अगर इन टेबलेट्स का सेवन लड़कियां ना करें तो उन्हें बेचैनी होने लगती है, जिस वजह से उनको मजबूरी में टेबलेट्स का सेवन करना पड़ता है। दोस्तों एक रात में इन लड़कियों को 5 से 8 कस्टमर को सौंपा जाता है और अगर कोई लड़की सेक्स करने से मना करती है तो उन्हें मारा पीटा जाता है और मजबूरी में आकर वो सेक्स करने के लिए राजी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।